दोस्तों बहुत दिन के बाद, लगभग एक महीने के बाद आपको इस चैनल पे वीडियोस देखने को मिल रहा है, क्योंकि YouTube ने एक महीने में दो बार हमारे चैनल को टर्मिनेट कर दिया था। लेकिन फिर अपील करने के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद मुझे ये चैनल फिर से वापस कर दिया गया है, क्योंकि YouTube ने एक महीने में दो बार हमारे चैनल को सस्पेंड कर दिया था बिना किसी वजह के। तो मैंने YouTube टीम के कॉन्टेक्ट में था, उसके बाद कॉन्टेक्ट में उनसे मेरी बातचीत चल रही थी, बातचीत चल के फाइनल जाके यूट्यूब टीम ने हमारे इस चैनल को वापस कर दिया है। इसी लिए हमारे चैनल पे कोई भी वीडियोस नहीं आ रहा था। और चलिए अब जानते हैं, और न्यू वीडियो हमेशा की तरह फिर से आपको रेगुलर इस चैनल पर मिलती रहेगी। जैसा कि आपको पिछली बहुत सारे वीडियोज में रेगुलर में दे रहा था, उसी तरह अब फिर से आपको रेगुलर वीडियो की देने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो चलिए समय न गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका भी YouTube चैनल है वो डिलीट हो जाता है, तो आप हमें Instagram पे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। हम Instagram पे आपको जरूर हेल्प करेंगे, किस तरह मैंने महीने में दो बार हमारे चैनल को सस्पेंड किया गया, लेकिन दोनों बार हमारे चैनल को रिकवर कर लिया गया। तो आज की इस न्यू वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपने ई श्रम कार्ड, अभी जो ई श्रम कार्ड बन रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उस ई श्रम कार्ड को आप एक आधार कार्ड के साइज में किस तरह बेस्ट क्वालिटी में आप प्रिंट कर सकते हैं। हमारे पास ये डेमो के लिए ई श्रम कार्ड का एक पीडीएफ है, जिसपे कोई भी पर्सनल डिटेल नहीं है, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन के अनुसार ये गलत है। इसलिए मैंने जितने भी इनके होते हैं पर्सनल जानकारी, उस सभी को मैंने रिमूव कर दिया हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए, क्योंकि यूट्यूब इसकी अलाउ नहीं देता है कि आप किसी की जानकारी को यूट्यूब पे डालें। इसलिए मैंने इसमें जो जानकारी थी उसको हटा दिया है। तो चलिए जानते हैं ई श्रम कार्ड को एक आधार कार्ड के साइज में किस तरह प्रिंट कर पाएंगे, वो भी बेस्ट क्वालिटी में। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर आप प्रिंट करेंगे तो आपकी साइज जो वो बड़ी हो जाएगी और आपकी क्वालिटी जो उतनी अच्छी नहीं होने वाली है। तो चलिए जानते हैं, सबसे पहले इसको हम एडिट करेंगे कहाँ पे, फोटोशॉप में। तो हम फोटोशॉप एप्लीकेशन को भी ओपन कर लेंगे। उसके बाद ये जो पीडीएफ, इस पीडीएफ को आप डायरेक्ट फोटोशॉप में ओपन कर लेंगे। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ई श्रम कार्ड है, तो हमें ये वाला ई श्रम कार्ड प्रिंट करना है। तो इस ई श्रम कार्ड को हम इस तरह ड्रैग करेंगे, यानी कि घींचेंगे, और घींच के ड्रैग करके हमको इस तरह फोटोशॉप में ओपन करेंगे और फोटोशॉप में लाकर छोड़ देना है। तो ये हमारा फोटोशॉप में ओपन, जो पीडीएफ ही हमारा फोटोशॉप में ओपन हो गया है। तो आपको सिंपली जो भी पीडीएफ है, अगर एक से ज्यादा पीडीएफ है, तो जो भी कार्ड को आपको प्रिंट करना है आपको ड्रैग करके यहाँ पे फोटोशॉप में ओपन करना है। जितना भी पीडीएफ सभी को आप ओपन कर ले, हमारे पास एक ही पीडीएफ है, हमें अभी जो है एक ही कार्ड को प्रिंट करना है, जो कि आधार कार्ड के साइज में और बेस्ट क्वालिटी में प्रिंट करना है। चलिए हम इसे बड़ा कर लेते हैं और इसे जूम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए नेगेशन वार है, इसे हम इस तरह बड़ा कर लेंगे और यहाँ पे। उसके बाद सबसे पहले मुझे क्या करना है, क्रॉप टूल, यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉप टूल है, इस क्रॉप टूल को एक्टिवेट करना है, यानी क्रॉप टूल को सेलेक्ट करना है। क्रॉप टूल यहाँ पे देख सकते हैं, क्रॉप टूल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आप जिस भी साइज में इसको क्रॉप करना चाहते हैं उसका विड्थ डाल सकते हैं, हाइट डाल सकते हैं। तो चलिए मुझे साइज जो वो बाद में देना है, पहले हम क्या करेंगे इसको यहाँ से इस तरह क्रॉप करेंगे। यहाँ पे देख ली जितनी मेरी कार्ड है, हम इसको कार्ड को सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो सही कंडीशन है इस पर क्लिक करेंगे। ये जो ई श्रम कार्ड कार्ड का फ्रंट साइड है वो हमारे पास क्रॉप हो चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ एडिटिंग करना है, क्योंकि इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, नीचे में तिरंगा है वो अच्छे से झलक नहीं रही है। अगर वो अच्छे से झलकती तो अच्छी क्वालिटी में कार्ड नजर आएगी, ठीक है। तो कार्ड की क्वालिटी पहले हम सही करेंगे, इसको मतलब हाईलाइट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, कीबोर्ड में कंट्रोल एम प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ एम प्रेस करेंगे तो इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर कीबोर्ड से नहीं करना चाहे तो आप यहाँ पे जाएंगे इमेज में, और यहाँ पे एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट पे जाएंगे, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे भी शॉर्टकट दिया गया, कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स जो है ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, मुझे इसकी जो क्वालिटी है वो क्या करना है, हाईलाइट करना है। इसको हम हाईलाइट करेंगे तो नीचे करेंगे, ये जो लाइन है इस लाइन को हम नीचे करेंगे, देखिए तो ये हाईलाइट हो रहा है, बट इसका फोटो जो है, फोटो की भी क्वालिटी वो भी डाउन हो रही है। तो हमको क्या करना है, इसे अभी कैंसिल करना है। सबसे पहले हमको फोटो को सेलेक्ट करना है, क्योंकि फोटो की क्वालिटी जो वो डाउन नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा जो क्वालिटी वो हाईलाइट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट नंबर वाले टूल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पूरे कार्ड को हम इस तरह सेलेक्ट करेंगे, पूरे कार्ड को हम सेलेक्ट करेंगे, देख लीजिए
तो पूरे कार्ड को हम सिलेक्ट करेंगे, पूरे कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, अब फोटो को हम अल्ट दबा के फोटो को सिलेक्ट करेंगे। देखिए अल्ट प्रेस किए हुए हम फोटो को भी सिलेक्ट कर लिए, हम कार्ड को भी सिलेक्ट किए, कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद हमको अल्ट के साथ फोटो को भी सिलेक्ट करना है। अल्ट के साथ फोटो को सिलेक्ट किए, अब जो है अब मुझे फिर से कंट्रोल एम प्रेस करना है। जब तक आप ये कार्ड को सिलेक्ट किए और फोटो सिलेक्ट किए, आप कंट्रोल एम प्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने कार्ड को सिलेक्ट किया, उसके बाद फोटो को सिलेक्ट किया, आप कंट्रोल एम प्रेस करेंगे, यहाँ पे ये डालो वो सागा। अब ये लाइन जो लाइन के बीचम बीच क्लिक करेंगे, अब इसको हम नीचे करेंगे। जैसे नीचे करेंगे तो कार्ड की क्वालिटी जो आप देख रहे वो चमक रही है, यानी हाईलाइट हो रही है, और फोटो जो फोटो वही का वही है, मतलब फोटो में ना लाइट आ रही है ना जा रही, फोटो जैसे थी वैसे ही है, बट उसके अलावा जो भी है वो देख रहे हैं उसके अंदर की क्वालिटी वो हाईलाइट होती जा रही जो आपकी देख रहे अपने स्क्रीन पर। तो इस तरह आप हाईलाइट कर सकते, जितने भी आपको अच्छा लगे दिखने में, यहाँ तो ऊपर करेंगे तो रोशनी आएगी, लाइट आएगी, ठीक है, और जितना नीचे करेंगे वो हाईलाइट होगी, ठीक है। तो जितना भी आपको अच्छा लगे दिखने में, यहाँ पे देख लीजिए मेरे हिसाब से यहाँ पे ये ठीक है, ये हो गया, उसको ओके कर देगी, यानी फोटो जो मेरा वो जैसे था वैसे ही है, और उसके अंदर कार्ड जो है कार्ड में कुछ हाईलाइट आ गए, यानी कार्ड में कुछ लाइट आ गई जो कि आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। अब देखिए फोटो में अगर लाइट नहीं है तो फोटो में भी आप लाइट देंगे, उसके बाद यही टूल को सिलेक्ट करने देंगे, उसके बाद हम फोटो को सिलेक्ट करेंगे, फोटो को इस तरह सिलेक्ट करेंगे। फोटो को सिलेक्ट करने के बाद आप फिर से हमें क्या करना है, कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एम प्रेस करना है, उसके बाद हमें क्या करना है फोटो में लाइट देना है, तो इस लाइन के बीचों बीच क्लिक करेंगे, उसके बाद ऊपर करेंगे तो फोटो में भी लाइट आ जाएगी, देख सकते हैं फोटो में लाइट आ जाती है। नहीं तो आप एक दूसरा तरीका है, यहाँ पे फोटो को सिलेक्ट करेंगे, इमेज पे जाएंगे, एडजस्टमेंट पे जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा तो आप यहाँ पे एडजस्ट में ऑटो लेवल्स भी करेंगे तब भी लाइट आ जाएगी फोटो पे, लेकिन कंट्रोल एम के साथ अगर आप प्रेस करते हैं तो आप अपने हिसाब से लाइट दे सकते हैं जितना देना हो। उसके बाद यहाँ फोटो में लाइट आ चुकी है, ओके करेंगे। अब देखिए हमारे कार्ड की जो क्वालिटी थी वो भी हाईलाइट हो चुकी है, फोटो जो साफ नहीं था फोटो में भी लाइट आ चुके। अब क्या करेंगे, कार्ड के चारों साइड एक बॉर्डर देंगे, उसके लिए भी रेक्टेंगल टूल को यानी कि टूल नंबर वन को ही सिलेक्ट किए रहेंगे, उसके बाद पूरी इस तरह पूरे कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह पूरे कार्ड को हम सिलेक्ट करेंगे, कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड के राइट साइड क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ तक ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे आपको स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, स्ट्रोक, उसके बाद यहाँ पे कलर है, यहाँ पे पूछे किस कलर से आप बॉर्डर देना चाहते हैं, यहाँ पे जो भी आपके सामने कलर पिकअप आ जाता है, जो भी कलर आपको चाहिए उसको पिकअप करेंगे, यहाँ से मुझे लाल चाहिए, लाल कलर के ओके। उसके बाद विथ में यानी कि बॉर्डर की विथ कितना देंगे वो आप यहाँ से देंगे, आप 3 से 5 के बीच में रख सकते हैं, हम 3 दिए, और यहाँ पे देख सकते हैं कार्ड की चारों ओर एक बॉर्डर लाल कलर का लग चुका है, ये हमारा कार्ड बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। और क्या करेंगे अब इस कार्ड में हमें क्या करना है, कार्ड को साइज करना है, यानी कि आधार कार्ड के साइज में कन्वर्ट करना है। आधार कार्ड के साइज में कन्वर्ट करने के लिए आप 2 स्टेप से कन्वर्ट करते हैं, साइज को रिसाइज कर सकते हैं। उसके लिए ये जो फाइल है इसके यहाँ पे जहाँ पे हमारे माउस है इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते इसके राइट साइड क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे इमेज साइज पे आपको क्लिक करेंगे आप यहाँ पे आ जाएंगे, या आप डायरेक्ट यहाँ पे इस पे क्लिक करने के बाद इमेज पे जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा इमेज साइज, इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको 300 देना, यानी कि 300 देना है, रिसोल्यूशन आपको 300 देना है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर में जो विथ है इस विथ में 990 देना, यानी कि 990, और हाइट में देना है 660। यहाँ पे देखते ये साइज जो यही साइज अगर आप देंगे तो आपका जो कार्ड है वो आधार कार्ड के साइज में कन्वर्ट होगा। विथ 990 पिक्सल में होना चाहिए और हाइट जो है 660 वो पिक्सल में होना चाहिए, और रिसोल्यूशन जो है वो आपका 300 होना चाहिए, पिक्सल इंच में होना चाहिए। उसके बाद ओके करेंगे, ओके करने के बाद हमारा जो कार्ड है वो कन्वर्ट हो चुका है एक आधार कार्ड की साइज में, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो ये कार्ड है वो आधार कार्ड के साइज में कन्वर्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे, हमें एक पेज लेना है, कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, यहाँ पे न्यू पेज के लिए आ जाएगा, तो यहाँ पे पेज को सिलेक्ट करेंगे A4 और ओके कर देंगे, तो यहाँ पे आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, या आप यहाँ से भी पेज बना सकते हैं। यहाँ फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज की डायलॉग बॉक्स आ जाएंगी, पेज की साइज A4 को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने एक ब्लैंक पेज आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे जो कार्ड है हमें इसको क्या करना है, उस ब्लैंक पेज में देना है, तो उसके लिए यहाँ पे जो मूव टूल है इस मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे और इस कार्ड को ड्रैग करेंगे, यानी कि खींच कर हमको न्यू पेज में यहाँ पे रख देना, ऊपर में यहाँ पे जहाँ पे हम प्रिंट करना है ऊपर में यहाँ पे रख देंगे। ये तो हो गया हमारा कार्ड,
ई श्रम कार्ड का फ्रंट जो है वो बन के रेडी हो गया। इसको हम हाईलाइट भी दे दिए, फोटो में भी लाइट दे दी, उसके बाद कार्ड में बॉर्डर भी दे दिए और कार्ड को एक आधार कार्ड के साइज में कन्वर्ट भी कर दिए हैं। ये तो हमारा कार्ड का फ्रंट हो गया, यानी कि आगे का साइड हो गया। अब हम पीछे का साइड करेंगे। पीछे का साइड एडिट करने के लिए इसी को आप पीछे बैक कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे हिस्ट्री है, यहाँ पे देखेंगे और हिस्ट्री में सबसे ऊपर जो ये आपका कार्ड का ओरिजिनल कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके कार्ड का जो ओरिजिनल कॉपी होगा वो आ जाएगा। तो आपके कार्ड का ओरिजिनल कॉपी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसे जूम करना है, हमको जूम करेंगे। अब मुझे क्या करना है, बैक साइड लेना है। बैक साइड लेने के लिए यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रॉप टूल को सेलेक्ट करेंगे और हमें बैक साइड को क्रॉप कर लेना है। चलिए हम बैक साइड को क्रॉप करेंगे, उसका ओके करेंगे। अब बैक साइड भी हमारे सामने क्रॉप हो चुका है, अब इसको भी हम हाईलाइट करेंगे। यहाँ पे हम हाईलाइट डायरेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम बॉर्डर सेलेक्ट इस तरह हम सेलेक्ट वगैरह नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ना ही कोई फोटो है ना ही कोई QR कोड है, क्योंकि इसमें जितने भी चीजें सभी को हमको हाईलाइट करना है। तो हमको क्या करना, कंट्रोल M प्रेस करना है। अगर इसमें कोई फोटो रहता बैक साइड में या कोई QR कोड रहा जिसे हम हाईलाइट नहीं करेंगे तो वो हमें सेलेक्ट करना पड़ता, जिस तरह मैंने फ्रंट वाले साइड में किया था। तो यहाँ बैक साइड है, बैक साइड में मुझे कुछ नहीं करना है, जितने भी यहाँ पे सभी को मुझे हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे कंट्रोल M प्रेस करेंगे, ये आ जाएंगे यहाँ पे लाइन, जो लाइन के हम बीच में बीच क्लिक करेंगे उसको नीचे ड्रैग कर खींचेंगे, नीचे ड्रैग करेंगे तो ये जो कार्ड की क्वालिटी ये यहाँ पे हाईलाइट होते चले जाएंगे। जब भी जितना पर आपको अच्छा लगे उतना पे रखेंगे, उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे, ये आपकी उस साइज मतलब कि हाईलाइट हो जाएगी। उसके बाद बॉर्डर देंगे, यहाँ पे फर्स्ट वाले टूल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इस तरह बॉर्डर देने के इसको पूरी कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, माउस के राइट साइड क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कलर आपको जैसा कि मैंने बताया कलर सेलेक्ट करेंगे, विथ देंगे अपने साथ और लोकेशन में सेंटर रहने देंगे और बाकी की जो नॉर्मल है ये सब हमारी सेटिंग आप देख सकते हैं, यही आपको सेम रहेगा। उसके बाद ओके करेंगे, यहाँ पे भी बैक साइड में भी एक बॉर्डर लग चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसको रिसाइज करना है। रिसाइज करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया एडिट पे जाएंगे और इमेज पे जाएंगे और इमेज साइज पे जाके यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 300 देना है और यहाँ पे विड्थ जो है वो आपको 990 देना है, हाइट जो है वो 660 देना है। उसको ओके करेंगे, ये हमारा बैग जो है वो भी कन्वर्ट हो चुका है। तो हमारा बैग जो उसमें हाईलाइट दे चुके हैं, बॉर्डर दे चुके हैं, रिसाइज कर सकते हैं, साइज में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब क्या करते हैं, मूव टूल को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और ये जो बैक वाले फॉन्ट है इसको भी हम इस तरह ड्रैग करेंगे, यानी कि घींच के न्यू वाले पेज में रख देंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं न्यू वाले पेज में रख दिया। अब यहाँ पे इस पेज को हम बड़ा करेंगे यहाँ से और यहाँ से हम बड़ा करके यहाँ पे जूम कर लेंगे और यहाँ पे हम दोनों को बराबर में रख लेंगे। देख सकते दोनों कार्ड हमारा बराबर में हो चुके, ये हमारा कार्ड का फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया, ये हमारा कार्ड बन के रेडी हो गया। आपके पास जितने भी कार्ड है वो कार्ड बनाएंगे और बना कर उस सभी को न्यू पेज में यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे लाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये सभी कार्ड यहाँ पे इस तरह आपके सामने आ जाएगा जी। तो हमारा कार्ड बन गया, एडिट कर लिया हम साइज में, अब प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए ये पेज, इस पेज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फाइल में जाएंगे और यहाँ पे प्रिंट विद प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे या आप कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ पी प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आपके पेज, अगर आपका कार्ड ऊपर में कट रहा है तो आप यहाँ पे जो सेंटर इमेज है इस पर क्लिक करके इसको आप ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर ये नहीं कट रहा है तो देख सकते अभी मेरा ये जो पेज से बाहर नहीं जा रहा, पेज के अंदर ही आ रहा, यानी कि ये नहीं कटेगा। अगर ये आपका कार्ड ऊपर चले जाता इस तरह, यानी आधा कट रहा है, तो आपको यहाँ पे सेंटर आइम में जो इसको अनटिक करके ऊपर नीचे जहां भी रखना है, पेपर में जहां भी आपको प्रिंट करना है वहां पे आप रख सकते हैं। नीचे में प्रिंट करना है नीचे रखेंगे, ऊपर में करना है ऊपर में रखेंगे, पेपर में जहाँ पे प्रिंट करना है प्रिंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको साइज ऑटोमेटिक करना है, यानी कि ऑटोमेटिक पेपर पे फिट हो जाए, तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिक पेपर पे फिट हो जाएगा, ना पेपर से बाहर जाएगा ना कुछ जाएगा, ठीक है। अगर आप खुद से सेट करना चाहते हैं सेंटर यानी कहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, तो अपने हिसाब से यहाँ पे अगर आप ऑटोमेटिक करेंगे यानी कि पेपर में ऊपर से जहाँ भी हो जाए वो आप उसके लिए आप यहाँ पे इसको टिक मार्कर लगा सकते हैं। हम इसको अनटिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट बटन भी क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसके बाद प्रोसीड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा आपके प्रिंटर, आपके पास जो भी प्रिंटर है वहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे इप्सन L3110 से प्रिंट करने वाले हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम प्रोडक्टिव क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे यानी कि पेपर, जो भी पेपर आप प्रिंट करना चाहते हैं। अगर फोटो वाला पेपर प्रिंट करना चाहते हैं इप्सन फोटो क्वालिटी इंक जेट को सेलेक्ट करेंगे। उसको क्वालिटी में स्टैंडर्ड या हाई जो भी क्वालिटी में आप प्रिंट करना चाहते वो
उसको ब्लैक में करना चाहे तो ब्लैक या रंगीन में करना चाहे रंगीन, जैसे कलर में अभी दिखा रहा था ये हमारा कलर अभी प्रिंट होगा, अगर ब्लैक कर देंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ब्लैक में अब प्रिंट होगा, मुझे कलर में करना, कलर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद मुझे अब ओके बटन पर प्रेस कर देंगे तो हमारा जो ये कार्ड है ये प्रिंट हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे आज के इस वीडियो में आपने इस रम कार्ड को बेस्ट क्वालिटी में बेस्ट साइज में प्रिंट करना सीख गए होंगे। अगर कोई और क्वेश्चन या किसी अन टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप जल्द से जल्द कमेंट करेंगे, हम जल्द से जल्द वो वीडियो आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं ऐसे नॉलेजफुल जानकारी के साथ।